अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो टाइम वेस्ट किए हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भाई मेरे चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो पोस्ट करूँ आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आपने सबसे पहले अपनी पिक को स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लेना है। तो स्नैपसीड में ओपन करने के बाद नीचे टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेलेक्टिव पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से ब्लैक पार्ट जो है आपका शेडो वाला उसे सेलेक्ट करके उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देनी है और इस तरह बाकी का पार्ट भी जो आपको थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है आप उसे सेलेक्ट करके ब्राइटनेस उसकी मेंटेन कर दें। उसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद दोबारा टूल्स पर क्लिक करना है, टून इमेज आपको ये फर्स्ट वाला टूल नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देनी है, एम्बियंस इसका थोड़ा सा बढ़ा देना है, उसके बाद कर देना डन। इतना करने के बाद ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और पिक को स्केच बुक ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। तो स्केच बुक में इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एक चीज़ को समझना है, वो ये है कि आपने सबसे पहले तो ऊपर इस वाले टूल पे क्लिक करना है जिससे ब्रश सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आता है ये वाला, इसका नाम है मीडियम ब्रश और ये आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर, और ब्रश सेट जिस तरह से लिखा है ये मैंने इसे साइड पर किया हुआ, लेकिन ये आपको मिलेगा ट्रेडिशनल यहाँ पे एक सेटिंग होती है ये वाली, यहाँ पे ये मिलेगा। आप एक बार ब्रश को देख लें, ये ब्रश है, ये ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसका जो है कलर थोड़ा आपने इस तरह का सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है ये वाला, इस पर क्लिक करने के बाद आपने प्लस वाले आइकन पर ये नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है और एक लेयर बना लेना है। लेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरह से कलर कर लेना है थोड़ा अच्छे से फेस पे। कुछ इस तरह करने के बाद आपने दोबारा इसी वाले आइकन पे क्लिक करना है जहाँ से लेयर बनाई थी, नीचे जो लेयर बनाई थी उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना और इसे कर लेना है मल्टीप्लाई, और अगर सही ना हो तो आप यहाँ पे स्क्रीन करके देख लें तो ये थोड़ा सही आ रहा है। ये सही कैसे आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा इस पर क्लिक करना है, इसी अपनी लेयर पे क्लिक करना है और आपने इसकी ओपेसिटी जो है कुछ इस तरह से कम कर लेनी है और आपने देख लेना है जिस हद तक आप इसका कलर रखना चाहते हैं। तो मैं देख लेता हूँ, इस तरह रख के आपने कुछ इस तरह से फिर से इसको आपने जो पार्ट आपका आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैक है आप उसे दोबारा यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से सेट करने के बाद आपने दोबारा उसी लेयर पे जाना है और यहाँ पे एक HCL एडजस्टमेंट का ऑप्शन नज़र आता है, यहाँ से आप इसकी वाइटनेस जो है वो देख सकते हैं आपने किस तरह रखनी है। इस तरह कुछ फेस का कलर थोड़ा मैनेज आप कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो ये थोड़ा वाइट कर लें। उसके बाद आपने कर देना है डन। डन पे क्लिक करने के बाद अपनी दोबारा लेयर पे जाना है और यहाँ से मर्ज कर देना है, ये लेयर आपकी मर्ज हो जाएगी। उसके बाद आपने दोबारा इस पे जाना है और अपना यहाँ से ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है और इसकी यहाँ से सेटिंग देख लेनी है कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से इसे आपने स्मूथ कर देना है। तो इस तरह स्मूथ करने के बाद आपने अपने पार्ट्स देख लेने हैं जो थोड़े बहुत रह गए हैं। उसके बाद आपने इस वाले आइकन पे क्लिक करना, फर्स्ट वाले पे शेयर पे क्लिक करना और सेव टू डिवाइस करके आपने अपनी पिक को सेव कर लेना है, गैलरी में आ जाएगी, वहाँ से आपने Lightroom ऐप में इंपोर्ट कर देना है। तो Lightroom में इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ प्रीसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर प्रीसेट आप यूज़ ना करना चाहें तो आप मैनुअली एडिटिंग कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। आप जब ये वीडियो एंड होगी तो लास्ट पे वो वीडियो आ जाएगी, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो अगर प्रीसेट से आप करना चाहते हैं, प्रीसेट कहाँ से मिलते हैं वो मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दूँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं।
उनकी एक प्राइस होती है बिल्कुल मुनासिब सी, आप उन्हें बाय भी कर सकती हैं। तो ये प्रीसेट, इस पर आपने क्लिक करना है, यहाँ से प्रीसेट ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई सा भी प्रीसेट लगा लेंगे जो आपको आपकी पिक को सूट करता है। तो जिस तरह आपने यहाँ से चेक कर लेना है, जो प्रीसेट आपकी पिक को अच्छा लगे आपने उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर ये प्रीसेट आप लगाना चाहते हैं, आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपने अपनी पिक को शेयर करना है, शेयर टू करके टूल विज ऐप में ओपन कर देना है। सारी ऐप्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टूल विज में ओपन करने के बाद आपने नीचे इफेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, सोक समझ पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से जूम करके कोई सा भी फिल्टर अप्लाई करना है और देख लेना है कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ से मैं ये फोर्थ वाला देख लेता हूँ, थर्ड वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा था। नीचे मास्क का एक ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने जूम करके कुछ इस तरह से कुछ पार्ट जो हैं वो आपने इरेज कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं पिक काफ़ी अच्छी लग रही है, हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद थोड़ी आप इसको कट को हाईलाइट कर लें, उसके बाद आपने कर देना डन। डन करने के बाद आपने अपनी पिक को फाइनली पिक्स आर्ट ऐप में ओपन कर लेना है। ये इस वाले ऑप्शन से आपने सेव करना है ऊपर, और यहाँ से शेयर अदर आप डायरेक्ट पिक्स आर्ट ऐप में ओपन कर सकते हैं। तो ये पिक्स आर्ट ऐप में ओपन हो गई डायरेक्टली। तो यहाँ से आपने टूल्स पे क्लिक करना है और ये स्ट्रेच पे क्लिक करना है और कोई जूम करके इस तरह से कुछ हेयर्स को आपने अच्छा कर लेना है, यहाँ से ऊपर कर लेना है। तो ऐसा करने के बाद आपने डन कर देना है। डन करने के बाद आपने स्क्रॉल करना है, बॉर्डर पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह से इसका बॉर्डर बना लेना और डन कर देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं आपकी पिक बिल्कुल क्लियरली रेडी हो गई है। या वाइट एडिटिंग आपको बताइए कि फेस फुल वाइट आप कैसे कर सकते हैं। अक्सर लोग होते हैं बिल्कुल स्मूथ एडिटिंग उन्हें अच्छी नहीं लगती, जो लाइट एडिटिंग अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं फेस बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो ये इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन से पिक को सेव कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।